हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सब लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ एक और नया चैप्टर लेकर के। और आज फिर से मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है भाषा माधुरी, और ये DAV 4th क्लास के बच्चों की किताब है हिंदी की। इसका चैप्टर नंबर 6 है और ये एक बड़ी प्यारी कविता है। इस कविता का नाम है पहली बारिश, और इस कविता के लेखक हैं सफदर हाशमी जी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सोच ही रहे होंगे ना कि पहली बारिश, पहली बारिश का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु के बाद में जब गर्मी की ऋतु आती है और जब मई महीने में लोग गर्मी की परेशानियों से ऊब चुके होते हैं, तो उन्हें इंतज़ार होता है कि अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए, अब जल्दी से बादल बरसें। तो उसी बारिश के बारे में ये कविता है, और सफदर हाशमी जी ने इसे बड़े प्यारे अंदाज में लिखा है। तो मैं शुरू करता हूँ। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबड़ू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। तो देखो बच्चों, कवि सफदर हाशमी जी ने उस माहौल का, प्रकृति की छटा का, हमारे ग्रामीण परिवेश के जीवन का कितने अच्छे से वर्णन किया है। बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा है, जब पहली बारिश होने की संभावना है तो उस समय कैसा लग रहा है गांव में, है ना। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबड़ू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। राज मिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का मतलब वो मिस्त्री जो सीमेंट बालू वगैरह का काम करते हैं, और अक्सर लोगों का घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, अगर छत में कहीं पर कोई क्रैक हो तो उसे पूरा करते हैं, है ना। तो उनके बारे में ही लिखा है कि राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, मतलब एक छोटा सा हौज बना हुआ है ईंटे का, उसी पर वो सीमेंट प्लास्टर से उसे चिपका रहे हैं, बराबर कर रहे हैं बाहर से। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। छज्जे का मतलब है छत को ठीक करना था। बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो छत रिसने लगती है ना कभी कभी। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। तभी अचानक आसमान पर काले काले बादल आए, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे अम्मा बाहर गई हुई हैं, उन्हें कुछ राशन का सामान लाना है और मोची के यहाँ से जूते भी लेकर के आने हैं। तभी अचानक आसमान पर काले काले बादल घिरा है और हवा के झोंके साथ में वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी बरसना शुरू हो गया। अब देखो आगे कवि महोदय सफदर हाशमी जी ने कैसे बताया है कि सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। तो सबसे पहले बारिश कैसे शुरू हुई, टिप 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 ऐसे करके। बारिश की बूंदें जमीन पर जब गिरती है ना तो आवाज़ आती है, और ये बूंदें रुक रुक करके गिरती हैं, लगातार नहीं गिरती जब शुरू होती हैं तो। और धीरे धीरे इन बूंदों के गिरने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, कभी कभी पानी के बूंद भी मोटे होते चले जाते हैं। और उसके साथ में क्या है, घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। घनघोर मतलब बहुत घना, काले बादल मतलब, और उसके साथ में हवा का भी बहना, और गरजती हुई बारिश के साथ आंधी का बहना। आंधी का बहना मतलब बहुत तेज़ हवा का बहना जिसमें पेड़ पौधे लहराने लगते हैं। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाचा चाची चाची भागी अंदर। अब यहाँ पर ये सिचुएशन डिस्कस किया जा रहा है कि जब ये बारिश अचानक शुरू हो गई तो लोगों में क्या होता है, लोगों में क्या हरकत होती है, क्या हलचल होती है हमारे जीवन में। तो एक ग्रामीण जीवन की चर्चा की गई है। तो क्या लिखा है कि मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। तो मंगलू धोबी बाहर क्यों लपका होगा, उसने बाहर में कपड़े सूखने के लिए टांग रखे होंगे ना रस्सियों पर, उसी को समेटने के लिए। और चाची भागी अंदर, तो चाची अंदर क्यों भागेंगी भला, वो बाहर में बारिश के पानी में भीगना नहीं चाहती होंगी।
गाय उठकर खड़ी हो गई, झबड़ू दौड़ा भीतर। और गाय जो बंधी हुई थी, वो लेटी हुई थी, वो भी उठकर खड़ी हो गई। और ये जो कुत्ते का एक बच्चा है झबड़ू, वो दौड़ करके अंदर की ओर भागा कि कहीं ओट में छिप जाऊं। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। अब बात हो रही है कि यहाँ पर वो जो सीमेंट बालू का काम कर रहे थे राजमिस्त्री, जो कि एक हौज बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से उस हौज के ऊपर में एक टूटी हुई खाट रख दी, ताकि उसके ऊपर अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा या कहीं बाहर से कुछ उड़ करके टूट करके गिरे, तो वो जो हौज बनाया है उन्होंने अभी अभी सीमेंट बालू से ईंटों का, वो टूटे नहीं, क्योंकि उसे पक्का होने के लिए टाइम चाहिए ना। मेरे ख्याल से कम 2 दिन का समय तो लग ही जाता है अगर कहीं पर भी सीमेंट बालू से कोई जुड़ाई का काम किया गया ईंटे का तो। और दूसरी बात, उन्होंने क्या कर दी कि जो गारा उन्होंने बनाया था सीमेंट और बालू का, जिससे जुड़ाई का काम चल रहा था, उसको उन्होंने एक टाट से, एक फटे हुए बोरे से, एक पुराने बोरे से उन्होंने ढक दिया, ताकि उस पर ज़्यादा अगर पानी बरसेगा तो वो बह सकता है और वो बर्बाद हो जाएगा, उसका जो इस्तेमाल होना है वो नहीं हो पाएगा। हो गए चौरम चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े। अब जब तेज हवा बह रही थी, आंधी आ गई, तो आंधी में क्या होता है, बहुत तेज हवा बहती है, तो फिर अब अकेले मंगलू को वो कपड़े संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। कुछ कपड़े उस रस्सी पर से नीचे भी गिर गए थे, और उसमें हवा भर जाती है तो वो इधर उधर उड़ने भी लगते हैं, तो वो परेशान हो रहा था, उड़ रहे थे कपड़े, कुर्ता उड़ रहा था, पैजामा उड़ रहा था, है ना। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। तो अब क्या हुआ आगे कि झबरू कुत्ता जो था वो ऊंचे स्वर में भौंकने लगा, गाय जो है वो रंभाने लगी। जब इस तरह के मौसम में अचानक से बदलाव आता है तो जानवर बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमें इशारा करते हैं। और हौदी, और वो जो हौदी बनाया जा रहा था वहाँ भी मतलब कुछ चीज़ें टूट गई, बिखर गईं। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सफील लिफाफे खोले। तो अम्मा जो बाहर गई थी राशन लाने के लिए, जूते लाने के लिए, वो जल्दी से भागे भागे आईं, और पानी से बचने के लिए उन्होंने झोले को अपने सिर पर रख लिया था, और घर में आकर के जल्दी जल्दी उन्होंने सारे पैकेट खोले। सबने बारिश को कोसा और आँखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाएं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि राजमिस्त्री को परेशानी हुई, चाची को परेशानी हुई, मंगलू धोबी को परेशानी हुई, अम्मा को बाहर से घर में आने में परेशानी हुई, झबड़ू कुत्ता भी भौंक रहा था, और गाय भी परेशान हो रही थी, मंगलू धोबी भी परेशान हो रहा था। तो इन सब ने बारिश को कोसा कि अरे ये क्या ज़रूरत थी अभी बारिश होने की, अचानक से बारिश होने लगी तो। और इन सब लोगों ने अपने मन से ऐसे ऐसे कुछ कहा भी होगा, आँखें भी दिखाई होगी, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनकी तरफ से ये कविता कही जा रही है, उन बच्चों को बहुत मज़ा आया। तो उनके बारे में क्या लिखा है कि पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाएं। तो बारिश होने पर बच्चे क्या करते हैं, वो मौज कैसे करते हैं, वो बारिश में इधर उधर भाग करके नाचते कूदते हैं, और कभी कभी उसमें नैया चलाते हैं, है ना, उधम कूद मचाते हैं। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। तो बच्चों ने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की, क्या क्या मस्ती की उन्होंने कि वो मैदान में भागे फिर रहे थे, इधर दौड़ रहे थे, उधर दौड़ रहे थे, बहुत जगह पर उन्होंने कूद कूद करके छलांगे मारी, और जब इनके पैर थक गए तब जा कर के ये बच्चे वापस घर में लौट रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया रेखा चित्र बनाया है, एक बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखा है कवि सफदर हाशमी जी ने, किस चीज़ के बारे में, पहली बारिश के बारे में, कि पहली बारिश जब गांव में इस तरीके से होती है तो कैसा समा बनता है, कैसा मौका होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह कविता अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जल्दी ही इस कविता के एक दूसरे लेक्चर सेशन में मैं फिर से आपसे मिलूँगा, जब मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसके क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ में मैं इसके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा।
तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसे ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।